हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम कुछ डिफरेंट ट्राई करने वाले हैं। आज हम एक सिल्क साड़ी से धोती पहनना सीखने वाले हैं, वो भी एक डिफरेंट स्टाइल में, तो कुछ अलग करने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो सबसे पहले एक बड़ी साड़ी लेंगे, जो कि पूरी मतलब जितनी होती है साड़ी उतनी है, और इसको सबसे पहले इस तरह से गांठ बांधेंगे, डबल नॉट बांध कर टाइट कर देंगे ताकि धोती खुले नहीं। हम इस धोती में कुछ इस तरह से गांठ बांधेंगे इस साड़ी में, कि एक तरफ से साड़ी का पल्ला जो है वो ज़मीन को टच करना चाहिए, मतलब एक दो हाथ जितना पल्ला एक तरफ छोड़ देंगे, मतलब एक हाथ से ज़्यादा ही। तो इस तरह से कुछ डबल नॉट बांधेंगे। देखिए इस तरह से वो जो बांध रहा है उसमें साफ साफ बताया गया है, तो इस तरह से कुछ डबल नॉट बांध देंगे हम, ठीक है। उसके बाद हम इसमें प्लेट्स बनाएंगे, इस तरह से कुछ प्लेट्स बनाएंगे, देखिए इस तरह से, जो कि आपको जूम करके दिखाया गया है वहाँ पर। तो इस तरह से प्लेट्स बना देंगे और सामने की अपनी नाभि के नीचे इस तरह से खोंच देंगे। इस तरह से खोंचने के बाद इसको सही कर देंगे। अभी दूसरे पल्ले के बारे है, दूसरे पल्ले को इस तरह से लेकर के पीछे से ले जाएंगे और यहाँ पर पीछे भी उसी तरह से बैक साइड प्लेट्स बनाएंगे। तो सबसे एंड में एंड है, जो कि साड़ी का एंड भाग लेना है, और कुछ इस तरह से प्लेट्स बनानी है एंड में जाकर। तो देखिए इस तरह से प्लेट्स बनानी है। आई होप आप प्लेट्स बनाना सीख गए होंगे। अभी तक आपने प्लेट्स बनाना नहीं सीखा है तो मेरा एक शॉर्ट्स वीडियो है, उसे जाकर आप आराम से देखो, उसमें आपको अच्छी तरीके से बताया गया है कि प्लेट्स कैसे बनाई जाती हैं। अब इस प्लेट्स को सीधी करके मतलब स्टेप बाय स्टेप कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो भी बीच का इसके बीच वाले भाग ले लेना है अपने को, ये देखिए कुछ इस तरह से, इसको एक तरफ पट्टी तरह से पट्टी की जैसे आकार दे देना है, और एंड को छोड़ करके बीच में का भाग ले लेना है, उसको सही करके इस तरह से करना है। देखिए वो सही कर रहा है अभी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से करना है और इसको भी पीछे खोंच देना है, इस तरह से पीछे खोंच देंगे और अच्छे से सेट कर देंगे। और बाकी जो साड़ी बची हुई है, जो भी धोती बची हुई है पीछे, उसको हम एक बेल्ट के रूप में उपयोग करेंगे इसी धोती में, जिससे कि हमारी जो धोती है वो एक तरह से सिक्योर हो जाएगी। देखिए कुछ इस तरह से इसको अच्छे से सेट करते हुए तो आगे से ले जाकर वापस डबल इस तरह से, देखिए कुछ इस तरह से बेल्ट टाइप में एक पट्टी टाइप में बना देना है। और दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। और अधिक डिफरेंट स्टाइल की धोती पहनना सीखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे इसी टाइप के। अब देखिए इस बेल्ट, इस एक्स्ट्रा बची हुई धोती को इस तरह से बेल्ट के रूप में आपको ले लेना है, और जो पीछे का छोर बचा हुआ है एंड बचा हुआ, उसको साइड में इस तरह से एक डिज़ाइन के रूप में, एक तरह से फ्लावर के टाइप में रख दिया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो भी एडजस्ट कर देना है इधर उधर, और धोती को सही करना है। और देखिए ये देखिए आपकी धोती बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसके ऊपर कोई भी आप इसके मैचिंग का सिल्क कुर्ता डाल सकते हैं, शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, जैसा आपको पसंद है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो लाइक। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अभी आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। हमारा जो यूजर नेम है वो आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है, वहाँ जाकर टाइप करोगे तो आपको हमारा प्रोफाइल मिल जाएगा।